स्टडी में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे जो अपने क्लास 8th का पहला अध्याय है। और आज मैं सिर्फ आपको इस परिमेय संख्या के बारे में सिर्फ बेस बताने वाला हूँ। परिमेय संख्या क्या है, इससे जुड़े हुए अध्याय में जो जो आपके पास गुणधर्म है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले परिमेय संख्या पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दूसरी संख्याओं से अवगत कराना चाहूंगा। जैसे सबसे पहली है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के अंदर अगर मैं आपको अपनी सिंपल या साधारण भाषा में बताऊं तो वे संख्याएं जो इकाई अंक एक से शुरू होकर अनंत बच्चों, ये निशान अनंत का है, इन्फाइनाइट बोलते हैं इसको, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए बताऊं तो आपको पता चल ही चुका होगा वैसे तो, लेकिन ध्यान दें, एक दो तीन टेस्ट 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 टेस्ट, और ये आपका हो जाएगा अनंत। फिर इसके बाद दूसरी संख्या आती है अपने पास जिसका नाम है पूर्ण संख्या। तो बच्चों पूर्ण संख्या के अंदर इसकी परिभाषा के अनुसार बताऊं तो वे संख्याएं जो ये वन से एक से शुरू हो रही थी और ये जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात इसमें सिर्फ एक अंक और जुड़ जाता है जो होता है शून्य। तो अब इसकी परिभाषा कुछ ऐसी हो जाए कि शून्य से जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब इसका अगर उदाहरण दूं आपको तो वही चीज आपको पता चल चुका होगा, 0, 1, 2, 3 टेस्ट 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 इनफाइनाइट, अर्थात प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक ही फर्क है जो है आपके पास जीरो। पूर्ण संख्या के अंदर जीरो उपस्थित होता है, प्राकृत संख्या के अंदर जीरो उपस्थित नहीं होता। फिर इसके बाद अपने पास एक और संख्या आती है जिसका नाम है पूर्णांक संख्या है। तो अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, एक बार देख लीजिए पूरा। प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। फिर पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है,
तो बच्चों अब मैं तीसरी संख्या के प्रकार पे आऊंगा जिसका नाम है नंबर तीन पे आऊंगा जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। क्या नाम है बच्चों? पूर्णांक संख्या। हाँ पढ़िए लेना और बॉल नहीं है यार, चाबी मारे कटे घरे जाए प्रेम प्रेम सब घरे से बैठा है के जे तभी आप बैठूंगा यार। यू पर वो लूस हो गंदे रुमाल नहीं है रुमाल दे तो शुरू की दो शुरू है तो बच्चों नंबर तीन है अपने पूर्णांक संख्या। तो बच्चों पूर्णांक संख्या अब क्या होगी? नाम से पता लग रहा है पूर्ण अंक मतलब ऐसी संख्या जिसका अंक पूर्ण होगा परंतु वह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अर्थात अभी मैं आपको अगर इसकी परिभाषा लिखवाऊं तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि ऋणात्मक अनंत से लेकर ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक इसका साइन मैं यार वैसे लगाना भूल गया आप देख लो एक बार ऐसा कुछ हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट कुछ मैं सही कर देता हूं आपके लिए और धनात्मक अनंत ये कुछ ऐसा हो जाएगा प्लस वाला बस फर्क इतना ही रहेगा। क्या लिखा? धनात्मक अनंत सॉरी ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक सभी अनंत तक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है पूर्णांक संख्या होती है। अब एग्जाम्पल या उदाहरण के पे आऊं तब कुछ आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने बोला माइनस इनफाइनाइट इसे मैं डैश डैश करके आया माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री डैश 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 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अर्थात पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर प्लस और माइनस और जीरो सारी संख्याएं उपस्थित हो अर्थात एक पूर्ण संख्या हो। ये मायने नहीं रखता कि वो प्लस की है या माइनस की है, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और इसके दो प्रकार होते हैं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक जो मैं आपको परिभाषा में वैसे लिखवा चुका हूं। मतलब अगर ऐसे बताऊं तो धनात्मक पूर्णांक मतलब वे सारी संख्याएं जो प्लस वाली हैं और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब वे सारी संख्याएं जो माइनस वाली है। ठीक है फिर अब इन सारी संख्याओं के बारे में पढ़ने के पश्चात हम आएंगे उस संख्या पे जिसके बारे में अपन इस चैप्टर का नाम है। क्या नाम है अपना? परिमेय संख्या। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक बार वापस देख लो मैं तीनों के बारे में वापस आपको रिपीट कर रहा हूं वो लिखवा चुका हूं। तो ये हो गया सबसे पहला था अपने पास प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है और ये ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। समझ में आई बात? ठीक।
तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में, जो आपके 8th क्लास का पहला अध्याय का नाम है और इसी पे ये पूरा आपका चैप्टर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्लस वाली एक से अनंत तक संख्याएं जो हैं वो आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी, जीरो से लेके अनंत तक आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, प्लस और माइनस वाली और उसके साथ जीरो भी ऐड कर दूं तो वो सारी संख्या हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या। लेकिन अब दिमाग में सबके एक क्वेश्चन पुट अप हुआ होगा, सर बट्टे वाली संख्याएं किसमें आएंगी, 3/2। सर 3/2 को तो जब हम सॉल्व करने जाते हैं, लाइक अगर मैं लिखने जाऊं 3/2, अगर इसका मैं आंसर निकालूं बच्चों तो अपने पास आंसर कुछ ऐसा आता है ना। तो दिमाग में सवाल तो सबके आया कि सर हमने सब अब तक जो पढ़ा उसके अंदर दशमलव तो था ही नहीं, अब ये दशमलव वाली संख्या या ये बट्टे वाली संख्या जिसका आंसर दशमलव में आया है ये पूर्ण तो है नहीं, ये तो 1 और आधा है ना। तो अब इस टाइप की संख्या जिसका आंसर कभी पूर्ण ना है इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाएगी, नंबर 4 पे लिखेंगे अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो बच्चों परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे अब, और परिमेय संख्या के अंदर क्या होता है देखिएगा। बताऊं कुछ इस प्रकार से, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख, ब्रैकेट में यहां पर लिख सकते हो आप, प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसकी कंडीशन होती है, आपने ये नहीं कि हाँ P/Q वाली सारी संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएगी, इसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आपको ये कहती है कि यहां पर लिखेंगे, यहां पे जहां P और Q जो मैंने डिजिट लिखे हैं, जहां पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे बच्चों, पूर्णांक, और पूर्णांक के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं, पूर्णांक के बारे में अपन पढ़ चुके हैं ना, पूर्णांक संख्या है, तो पी और क्यू क्या होगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। इसके अलावा इसने क्या बोला, तथा जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इस P/Q की फॉर्म में ये जो Q है, इस Q की वैल्यू या इस Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब सबके दिमाग में एक सवाल आया, सर ऐसा क्यों, Q बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता, हम 0 रखें तो क्या होगा। उसका उत्तर आपको ऐसे मिलेगा, आप देखिए यहां पे, अगर मैं एक संख्या लेता हूं अपनी इच्छा से, जैसे P/Q मैंने बोला ना, मैंने अपनी इच्छा से ले लिया, P को आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया आया 11 मान लिया, और Q को अभी आपने बोला ना कि सर अपन 0 ले तो क्या फर्क पड़ेगा, चलो मैं यहां पे 0 लेता हूं, मतलब 11/0। और अपन ने पढ़ रखा है कि जब बट्टा के नीचे हर, जो अपना हर होता है वो अगर 0 हो जाए तो इसका आंसर कितना आता है बच्चों, बताओ इसका आंसर अपने पास क्या आएगा, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता, अर्थात इसीलिए इसने कहा कि तथा जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। इसीलिए इससे आप एक तरह से इसको आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि यहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों, जब क्यू इज इक्वल टू मैं 0 रख दूंगा तो अपने पास उत्तर में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत, जो कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए परिमेय संख्या क्या कहलाती है,
वह संख्या है जिसे अपन p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब किसी के दिमाग में सवाल आया? मेरे तो आया, आपके आया नहीं आया? आप देखिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जीरो क्या है? क्या ये पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है या नहीं, है ना? सवाल नहीं आया, देखो क्या होगा। मैंने बोला जीरो क्या है, तो जीरो आप हमने पढ़ रखा है कि जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता ना, तब उसके नीचे बट्टा में एक सदैव होता है, है ना? तो क्या अब ये इस फॉर्म को फॉलो कर रही है, क्या इसको ये प्रदर्शित कर रही है? देखो, परिमेय संख्या क्या कहती है? ऐसी संख्या जिसको अपन p अपॉन q के रूप में लिख सके। क्या ये p अपॉन q के रूप में है? हाँ है। अब फिर देखा, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो यस, q इज इक्वल टू कितना है? वन। क्या ये जीरो के बराबर है? नहीं है ना, तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना यहां पे। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? कि ये जीरो एक परिमेय संख्या है। हाँ, तो अब ये सारा पूरा होने के बाद अब अपन इनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये सारी चीजें अपनी छोटी क्लासों में कर रखी है, लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि ये कभी क्यों होता है, किस लिए होता है। जैसे अभी मैं बताऊंगा अभी आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में कि ये अपन पहले छोटी क्लासों में कर चुके हैं, लेकिन इसके पीछे ये गुणधर्म लगते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इन संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। सबसे पहला गुणधर्म होगा अपने पास, हेडिंग डाल देना गुणधर्म, सबसे पहला गुणधर्म होगा अपने पास बच्चों, जिसका नाम होगा क्रम विनयता। क्या नाम होगा? क्रम विनयता। इसके अंदर क्या होगा? इस शब्द से पता लग रहा है क्रम विनयता मतलब जो संख्याएं होंगी उनका क्रम अपन को चेंज करना पड़ेगा और फिर अपन को चेक करना पड़ेगा उसके अंदर क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोई भी, मैं पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल लेता हूं सबसे पहले इसके अंदर, ठीक है? मैं लेता हूं पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल। अपन ने पढ़ रखा है पूर्ण संख्या क्या होती है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए शायद मुझे, है ना? तो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल लेता हूं और मैंने बोल दिया हाँ। तो पहला नियम है अपने पास क्रम विनयता का नियम, और इसका ये क्रम विनयता नियम क्या कहता है कि आप संख्याओं को उलट पलट करके भी जोड़ो या घटाओ, आपके पास उत्तर वही आता है, लेकिन हाँ घटाने पे नहीं आता। देखिएगा एक बार क्या होता है इसके अंदर, ये कुछ ऐसा नियम है आपके पास। क्रम विनयता आपको क्या कहता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कुछ ऐसे। मतलब यह है आपका क्रम विनयता का नियम, और यह आपको क्या कहता है आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए पूर्ण संख्या का, किसका लेता हूं? पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या के अंदर क्या होगा अपने पास? जैसे मैंने ले लिया कोई भी दो संख्या, ले लो अपनी इच्छा से ले लिया, 3 + 7 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 10, ठीक है। अब इसको मैंने मान लिया a और इसको मैंने एज्यूम कर लिया p। अब अपन को क्या करना है? इनका क्रम विनिमय करना है। तो क्रम विनिमय में क्या हो जाएगा? a b हो जाएगा और b क्या हो जाएगा? a, यानी कि 7 + 3। बच्चों इसका आंसर कितना आएगा अपने पास? 10, है ना? तो क्रम विनिमय करने के बाद भी अपना आंसर सेम आ रहा है। तो इस प्रकार क्रम विनयता का नियम लागू होता है। अब इसी प्रकार प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या में भी यह नियम लागू होगा। चलो देखते हैं, अब सेकंड लेते हैं अपने पास एग्जाम्पल के लिए। परिमेय संख्या को किसको लेते हैं अपन? परिमेय संख्या को।
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का एग्जांपल लेते हैं, वही नियम लगेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो उस हिसाब से मैं परिमेय संख्या कोई भी उठा के देख लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2/3 प्लस 4/6, इनको जोड़ते हैं बच्चों, तो लसब मसब वाली जोड़ बाकी आपको आती होगी, आप 8th क्लास में हो, नहीं आती तो अगर आप किसी बच्चे को नहीं आती है तो प्लीज़ अपने इस चैनल पे जो मेरा वीडियो है उस पर कमेंट करके मुझे बता दें आपको कुछ प्रॉब्लम हो या वगैरह, तो आप एक बार मैं बेसिक क्लास भी ले लूँगा आपकी, बेसिक क्लास भी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें वापस, इनको मैं जोड़ता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इन दोनों का लसब आ जाएगा 6 मेरे पास, और फिर जब सॉल्व करने जाऊँगा तो ये हो जाएगा अपने 6 + 4 = 10/6, जब इसको मैं काटूंगा तब ये हो जाएगा 5/3, इसका उत्तर आ गया अपने पास 5/3, इसको मैंने माना है ए और इसको मैंने माना है बी। अब इसका मैं क्या करूंगा, क्रम विनिमय, जब इसका मैं क्रम विनिमय करूंगा तब यहां पे देखिएगा, अब इस बार अपने पास बी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 4/2/3 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6। अब जब इसको सॉल्व करने आऊंगा तब क्या होगा, वही बात, 2/3 को अपन बाद में लिख लेंगे और आगे लिख लेंगे ये वाला, ऐसे करेंगे और फिर हो जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व करूंगा तो वापस 6 आ जाएगा एलसीएम, और जब इसको करने जाऊंगा तो 4+6 देन इज इक्वल टू 10/6, वापस कटेगा तो 5/3। कुछ समझ में आया बच्चों, क्रम विनिमय में क्या होगा, अपन जब क्रम विनिमय करेंगे तब पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, परिमेय संख्या हो, संख्या कोई भी हो, उस पर यह नियम लागू होता है। यह नियम सिर्फ और सिर्फ प्लस और मतलब जोड़ तथा गुणा पर लागू होता है, भाग और बाकी पर नहीं होता, उसका भी मैं अभी आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, देखिएगा एक बार। तो अब मैं आऊंगा एक बार अपन बाकी वाला करके देखते हैं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। जैसे मैं अब क्रम विनिमयता का नियम अगर मैं बाकी लेने जाऊं तो कुछ ऐसा हो जाएगा अपने पास, a माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास b माइनस ए, अगर ये ऐसा प्रूफ हो जाता है तो ये बाकी में भी लागू होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखते हैं बच्चों कैसे। सबसे पहला वापस एग्जांपल ले लेता हूं मैं पूर्ण संख्या का, किसका ले लेता हूं, पूर्ण संख्या का, जैसे मैंने ले लिया 3 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 - 3 इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास -1। क्या बच्चों आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इस तरह से अपन को समझ में आ गया कि क्रम विनिमयता के अंदर केवल और केवल जोड़ तथा गुणा में ही यह नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं। आई बात समझ में, चलो ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे गुणधर्म नंबर 2 के बारे में, गुणधर्म नंबर 2 के बारे में। जिसका नाम है साहचर्यता का नियम। नंबर 2 साहचर्यता बोलूं चाहे सहचर्यता बोलूं एक ही बात है, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हो आप सहचर्यता, सहचर्यता ये अपने पास है अपना दूसरा गुणधर्म। ये गुणधर्म क्या कहता है, ये गुणधर्म आपको कहेगा, इसका मैं आपको फॉर्मल लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहता है। लाइक ऐसा है कुछ आपके पास, मैंने बोला कोई संख्या है ए और अंदर है बी इंटू सी, इनके बीच में भी गुणा हो रहा है, ये बराबर हो जाएगा a इंटू बी और बाहर आ जाएगा अपने c, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि ये साहचर्यता का नियम आपको क्या बता रहा है, यदि b और c का गुणा करने के बाद
आप ए का गुणा करते हो और दूसरी तरफ ए और बी का गुणा पहले करने के पश्चात आप सी से उसका गुणा करते हो, तो दोनों का उत्तर सदैव एक आएगा। तो अब हम चेक करेंगे सबसे पहले पूर्णांक संख्या लेके और उसके अंदर देखेंगे क्या अपना उत्तर सही आ रहा है। 33 मिनट हो गए, 3 मिनट वापस बोलना पड़ेगा। एक मिनट, तो अब वापस चेक तो हम अब चेक करेंगे कि क्या अपना ये फॉर्मूला सही बैठ रहा है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं पूर्ण संख्या का। चलो बच्चों अपने इच्छा से ए बी सी ले लो कुछ भी। मैं लेता हूं ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 3। अब ये नियम यहां पे लगा के देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ए की वैल्यू कितनी रखी है अपने, 4 इंटू बी कितना है अपने पास, 6 और सी हो जाएगा 3। और इस तरफ ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 6 और फिर सी की वैल्यू 3। अब इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो 6 × 3 = 18 और यहां पे हो जाएगा 4 × 6 हो जाएगा अपने पास 24 और ये हो जाएगा 3। जब 4 × 18 करने जाऊंगा तब अपने पास उत्तर में आ जाएगा 72 और जब इसको सॉल्व करूंगा तब इसका भी आंसर कितना आएगा, 72। तो इस प्रकार साहचर्यता का नियम पूर्ण संख्या अथवा प्राकृत संख्या तथा परिमेय संख्या सब में इसी प्रकार लागू होगा।